everyone, I'm back with another video and this video is about balloon sleeves which are trending in these days. So before starting the video, मैं प्रेमांजलि नायक आप सबका स्वागत करती हूँ to my YouTube channel Stylus. बलून स्लीव्स की खासियत ये है कि एक सिंपल से सिंपल आउटफिट को भी सुपर स्टाइलिश एंड गॉर्जियस बना सकता है और वो बलून स्लीव्स आप खुद बना सकते हैं विदाउट यूजिंग स्विंग मशीन. जी हाँ, स्विंग मशीन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप अपने हाथों से बना सकते हैं. अगर आपको सुई धागा चलाना आता है, दैट्स इट, यू कैन मेक इट. आपको अगर 0% भी आइडिया नहीं है स्टिचिंग के ऊपर, फिर भी आप बना सकते हैं गाइज, बिकॉज इट्स सुपर ईजी एंड सुपर क्विक. So end of the speech guys, बिना time खोटे किए, let's get into the process. For this sleeves, I have taken 1.5 meter fabric, but इसका width normal fabric से थोड़ा बड़ा है. मैंने already fabric को fold करके रखा है, हमें सिर्फ इस side को cut करके अलग करना है. After cutting, separate the fabric and take one piece of fabric from it and fold it horizontally. And secure it with pearl pins so that stitching के time कोई problem ना हो. अब हमें सुई धागा लेना है और इसे stitch करना है. And this is called running stitch. This running stitch is too simple. हर कोई कर सकता है इसे क्योंकि ये बहुत आसान है. As you can see, this is how the stitch looks like. ऐसे ही आपको पूरा स्टिच करना है. स्टिचिंग के बाद लॉक करना बिल्कुल मत भूलना. लॉक कुछ इस तरह से होता है, आप जब सुई अंदर डालते हो तो उससे पूरा मत खींचना, थोड़ा सा छोड़ देना, फिर वो लूप जैसा बन जाएगा और उस लूप के अंदर से सुई को डाल के खींच देना और वहाँ पे आपका एंडिंग पॉइंट जो है वो लॉक हो जाएगा. तो मेरा पूरा स्टिचिंग अब कंप्लीट हो चुका है, ऊपर का भी और नीचे के साइड का भी. तो अब हम इसमें इलास्टिक इंसर्ट करेंगे. इलास्टिक के मेजरमेंट्स आपको यहाँ से नहीं लेना है, बल्कि यहाँ से लेना है. आपको दो मेजरमेंट चाहिए, वो है रिस्ट एंड आर्म्स. आप डायरेक्ट इलास्टिक से भी मेजरमेंट ले सकते हैं, लाइक नॉट सो लूज नॉट सो टाइट एज पर योर कम्फर्ट, और एल्स आप मेजरमेंट टेप से भी ले सकते हैं. आपका जितना भी इंचेस आएगा मेजरमेंट टेप में, उसमें से 3 और 4 इंचेस कम करके लीजिए इलास्टिक. फिर सेफ्टी पिन की मदद से इलास्टिक को इंसर्ट कर दीजिए. इंसर्ट करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि इलास्टिक अंदर ना चला जाए, क्योंकि इलास्टिक बहुत छोटा सा है और फैब्रिक बहुत बड़ा है, और इस छोटे से इलास्टिक में हमें सारा फैब्रिक डालना है, तभी वो ड्रामेटिक लुक आएगा. मैंने इलास्टिक को पूरा इंसर्ट कर दिया है, अब इस दोनों एंड को लॉक कर देंगे. अच्छे से लॉक करना ताकि बाद में ये खुले ना. इलास्टिक लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा. इसी तरह हमें ऊपर की साइड भी इलास्टिक लगा देना है. नाउ द इलास्टिक पार्ट इज कंप्लीट. अब हम साइड सेम स्टिच करेंगे. उसे स्टिच करने के लिए हम स्लीव्स को उल्टा फोल्ड कर देंगे और यहां से पूरा सीधा रनिंग स्टिच कर देंगे. स्टिचिंग कंप्लीट हो चुका है, ध्यान रखना लॉक करना मत भूलना, स्टिचिंग के स्टार्टिंग में भी और स्टिचिंग के एंडिंग में भी. और ये स्लीव रेडी हो चुका है. डू द सेम प्रोसेस विद अनदर स्लीव. आई हैव दिस प्लेन ब्लैक वन पीस, लेट्स पेयर दोस स्लीव्स विद दिस. ओ माय गॉड, आई एम सो हैप्पी विद द रिजल्ट एंड आई एम श्योर दैट आप इसे ट्राई करेंगे तो निराश नहीं होंगे. एक बार घर पर ट्राई जरूर करना और कॉमेंट में बताना कि आपका रिजल्ट कैसा आया. This is end of the video guys. I hope this video was helpful for you. If yes, then don't forget to click the like button and don't forget to tell yourself that you are beautiful, you are gorgeous. Subscribe karna bilkul mat bhulna. Link is here. Click on the link and subscribe easily.
अगर आपको मुझे इंस्टा में फॉलो करना है तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक इट आउट, एंड एंड दैट्स इट, बाय। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।